पवन पेरी पड़ा रहे हैं इन लोगों के, ना केवल पुराने साथी परिवार हमारे, और वापस आएंगे तो बड़ी खुशी है इस बात की। परिवार वही वापस आ रहे हैं, इस बात की खुशी भी है। और आज जैसे कि मैंने कहा, कड़ुम्बा बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, काफिला बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, मैं एलडी स्वामी। आप इस वक्त जो बड़ी खबर सिरसा जिला की राजनीति में जो बड़ा बदलाव फिर से हुआ है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और आज एलनाबाद विधानसभा में जो है वो इनेलो में बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। इनेलो का पुराना बिछड़ा हुआ साथी जो है अभय सिंह चौटाला के साथ जो है वो फिर से आ गए हैं। आप बात कर रहे हैं पवन बेनीवाल की। पवन बेनीवाल जो है 2014-2019 में जो है वो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा था इलाहाबाद से, और 2021 का जो चुनाव था, उपचुनाव था, वो कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। और पुराने साथी रहे हैं इनेलो के, और चौटाला परिवार के पुराने साथी रहे हैं। और अब पवन बेनीवाल जो है वो फिर से इनेलो का दामन थामने जा रहे हैं, जिससे अभय सिंह चौटाला को जो है वो इलाहाबाद में काफ़ी ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी। इस वक्त की ये जो बड़ी जानकारी है कि पवन बेनीवाल जो है वो इनेलो का दामन फिर से थामने जा रहे हैं। आप ये वीडियो जो है वो ई समाचार पर देख रहे हैं। इससे पूरे इस ज्वाइनिंग को लेकर अर्जुन चौटाला क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आज रानिया में हमने 19 गांव कवर कर रहे हैं, हमारे 12वां गांव चल रहा है, और बड़ा ही अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है। जैसे कि आप आज देख सकते हैं, आज संतावाड़ी में हमारे जितने भी पुराने साथी थे सारे आज वापस आ चुके हैं, सारे पुराने परिवार वापस आ चुके हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 2000 वाला माहौल होया करता था, 2000 से 2005 वाला माहौल, वो माहौल दोबारा बनने लग गया है। और भगवान सुख रखे, ये माहौल सारे प्रदेश में फैल रहा है। रानिया में बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, दूसरे खेमे से लोग आए हैं, कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए जी, प्रभाव पड़ता है जब साथी आपके साथ जुड़ते हैं। कड़ुम्बा बड़ा होता है, काफिला बड़ा होता है, तो इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है, और एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज रानिया का युवा आज वापस इनेलो के साथ इसलिए जुड़ना चाह रहा है क्योंकि उनकी एक उम्मीद है। लोगों ने 20 साल कांग्रेस से, बीजेपी से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन वो पूरी तो नहीं हुई। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो युवा नाराज नहीं होता, युवा एक नई जोश और नई उत्साह के साथ मेहनत करता है, और आज हम मिलके वो मेहनत करेंगे। इलाहाबाद में भी आपका एक पुराना साथी, खबरें चल रही है कि भाजपा से चुनाव लड़ा था पवन बेनीवाल, आ रहे हैं इनेलो के। ना केवल पुराने साथी, परिवार हमारे, और वापस आएंगे तो बड़ी खुशी है इस बात की। परिवार वही वापस आ रहे हैं, इस बात की खुशी भी है। और आज जैसे कि मैंने कहा, कड़ुम्बा बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, काफिला बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है, इन सारी चीज़ों की खुशी मिलती है। चाचा जी ने आज रानिया में कहा कि इधर जो है वो भरत सिंह को वहाँ खिलाफ वोट डलवाएंगे, 15,000 वोट। मेरे चाचा जी, चलो चाचा जी की खा गए की कैस के, मैं कोई भांगी बात पर की कौन कहूँ, ठीक है भाई, मारा चाचा आदरणीय है, हाँ ठीक है, बाकी की कसम खास कह की भाई, कभी बालाजी ने भी लिया कह के ठीक, तो भांगे ऊपर मैं की कौन कहूँ, हाँ मारो चाचो थोड़ा बोलो है इन बात पे, हाँ ठीक है। क्या बड़ा भरत सिंह ने इलाहाबाद में वोट डलवाऊंगा 15,000 की क्या, मैं 15 दिला दे तो मान जाऊं, इन बातों की कोई फर्क कौन पड़े। उनके क्या है, अब रानिया तो कुछ बचा नहीं उनका, अब उनके तकलीफ है कि भाई इनेलो ना आगे बढ़ जाए, कभी डबाड़ी भाग जाते हैं, कभी इलाहाबाद भाग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको यही कहूंगा कि जी कोई बचे कुछ 20-25 आपको वोट मिलने हैं किसी गांव में, आपके 20-25 100 भी नहीं, 20-25 तक ही रहेगा गांव में, कोई थाने कोई मिल जाए तो ले लियो, वरना मन लागे को नहीं बै भी बना आज के दिन मिले। देखो जी, गंदी राजनीति का लोग जवाब देते हैं, लोगों के ऊपर केस करवाए इनके परिवार ने, लोगों पे 302 के पर्चे, लोगों के ऊपर अवैध, एक तो पता नहीं कितने तो बिजली कर्मचारी यहीं के, कभी किसी ने मेवाद भेज दिया, कभी की भेज दिया, और के धमकी देवे कि मेरा प्रोग्राम कराओ नहीं तो मैं बात उतान पुट होगो नहीं आन दियो। यार कोई गरीब परिवार के साथ ऐसा करोगे तो के थान मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी, बात की बाज मिलन लाग रही है। कांग्रेस के टिकट का कोई खुरका रानिया में दिख रहा है कहीं प्रोग्राम में? मैं कहूं जी, कांग्रेस पहली बात तो जबकि रात ने 2 बजे टिकट आकाडी, आ एक साफ संदेश है रानिया के लोगों खातर, भाई कांग्रेस तो ही चुनावों बैकआउट मार चुकी है, ठीक है, कोई आगे टिकट लेने तैयार ही को नहीं हो। तो भी एक साफ साफ सी चीज है भी, दोनों पार्टियां चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस और चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी की बात करो, आज साफ दिख रहा है जी इन्होंने अपने हथियार गेर दिए हैं। अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल का परचम सबसे ऊंचा लहराएगा।